हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बनाई है हैदराबादी बिरयानी, तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्याज ब्राउन करेंगे। तो मैंने ये एक कटोरी जो है इसमें ऑयल ऐड किया है, तो ये मीडियम साइज की हमारी चार प्याज हैं, मैं इसको ब्राउन करूंगी। पहले हम ब्राउन कर लेते हैं, फिर हम इसको ब्राउन प्याज को हम निकाल लेंगे सब प्याज। देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज भी हो गई है, अब हम इसको प्याज को निकाल लेंगे। फैला लेते हैं इसे। और इसी तेल में हम अभी चिकन को मैरिनेट करेंगे, तो पहले इसको ठंडा कर लेते हैं ऑयल को। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल भी ठंडा हो गया है, तो मैं इसी में ही मैरिनेट कर रही हूँ। तो मैं इसी भगोने में बिरयानी बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसमें ये हमारा 700 ग्राम जो है हमारा ये चिकन है, तो ये चिकन ऐड करेंगे। और ये दही है हमारा, ये 250 ग्राम ऐड कर देते हैं। और ये जो ब्राउन कीवी प्याज है ये इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी मैं बचा लूंगी, तो मैं जब दम लगाऊंगी तो जब उसमें ऐड करूंगी तो इसमें ये हमारे गरम मसाले हैं, 2 तेज पत्ता है और दालचीनी है हमारी, एक हमारी जावित्री है और 3 से 4 हमारी छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 4 से 5 हमारी लौंग है और 6 से 7 हमारी सिया मिर्चें हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। 3 हम ये हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ और ये हरा धनिया और पुदीना है, ये इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा मैंने बचा लिया है हरा धनिया और ये हमारे मसाला है और ये 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें रोक ली हैं, तो ये मैं बॉईल होते में चावल जब बॉईल करूंगी तो उसमें ऐड होंगी। ठीक है, तो ये मैं साइड में रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मसाले हैं, तो 2 टीस्पून हमारा जो है धनिया पाउडर है और 1/2 टीस्पून से कम ही हमारी जो है ये कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हमारा नमक है और 1/2 टीस्पून से ही कम हमारी लाल मिर्चें हैं जो नॉर्मल होती है और 1/2 टीस्पून से कम ही हमारा हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून हमारा गरम मसाला है। तो ये हमारे मसाले रहेंगे जो मैं ये इसमें सब ऐड कर दूंगी। और 2 टीस्पून हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। नमक मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखिएगा, जैसे आपके यहाँ खाई जाती हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए, मैं ऐसे ही रख दूंगी। और इसमें 1 टीस्पून जो है हम ये नींबू का रस ऐड करेंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। इसको हमें पकाना नहीं है बिल्कुल भी, जब हम दम पे लगाएंगे तो ये चावलों के साथ ही चिकन गल जाएगा। इसको बस मैरिनेट करके ऐसे ही रख देते हैं, पकाना हमें बिल्कुल नहीं है। चलिए ढक के रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बॉईल करूंगी चावल, तो पहले पानी रख दिया है, तो इसमें 2 टीस्पून जो है हम ये नमक ऐड कर रहे हैं और ये गरम मसाला है हमारा, नमक ऐड कर दिया है मैंने और
हाफ टी स्पून हमारा जीरा है, 3 से 4 हमारी छोटी इलायची है, और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, और जावित्री है, और 2 तेज पत्ता है। यह हम ऐड कर देंगे। ये हरा धनिया है और हरी मिर्ची है, 2 से 3 ड्रॉप जो है हम ये केवड़े की ऐड करेंगे इसमें। हमने गरम मसाले सब ऐड कर दिए, और 1 टीस्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, और 3 से 4 टीस्पून जो है हम ऑयल ऐड करेंगे इसमें, और बॉयल आने के लिए रख देते हैं, बाद में हम चावल ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अच्छे से ये सब मसाले इसमें बॉईल हो गए हैं। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे। तो चावल हमारे 1 किलो मैंने बासमती चावल लिए हैं, मैंने इसको भिगो दिया था। तो हमारे 1 किलो हमारे जो है ये बासमती चावल है, इसमें ऐड कर देंगे सब। इसको हमें ओवर कुक नहीं कर, 30% हमें इसको चावलों को कुक करना है। फिर इसको हम छलनी में निकाल लेंगे, फिर मसाले में ऐड करेंगे। जो है 70% मैं मसाले में ही इसको दम पे लगाऊंगी, तो ये हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब मैंने चावल भी बॉईल कर लिए हैं, और मैं अब चलिए दम पे लगा रही हूँ। ये मैंने प्याज रोक ली थी ना, तो इसमें 1 टीस्पून हम ये गरम मसाला ऐड करेंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। देखिए अब इसमें चावल मैंने ऐड कर दिए, इसको अच्छे से फैला लेते हैं। चावलों को अच्छे से छान के सब चावलों को मैंने ऐड कर दिया है। मैंने धनिया दिया, फैला लीजिए। और ये हमने प्याज जो ब्राउन की हुई थी, इसमें गरम मसाला मैंने पिसा हुआ ऐड किया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम ढक देते हैं। और ये मैंने 1 कटोरी दूध लिया है, और इसमें ये है, ये फूड कलर है ऑरेंज कलर का, ये मैंने ऑरेंज कलर का ये फूड कलर है, ये इसमें ऐड कर रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो 3 से 4 ड्रॉप जो है मैं इसमें केवड़े की ऐड कर रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे इस बिरयानी के ऊपर डाल देते हैं। साथ ही 3 से 4 टीस्पून जो है हम इसमें ऑयल ऊपर से। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं दम पे लगा रही हूँ, सब मसाले ऐड हो गए। तो ये मैंने गीला कर लिया है कपड़ा, और इसको इस तरह से कर दीजिएगा। और अब इसकी जितनी भी भाप है वो नहीं निकलेगी। और एक भारी चीज रख देती हूँ उसपे कि हमारी भाप बिल्कुल नहीं निकले। और हमें आधा घंटे के लिए ऐसे ही दम पे लगाना है कि हमारा चिकन भी इसी में ही गलना है। 5 मिनट तो हाई फ्लेम पे पकाना है। मैं आधा घंटा सिम पे इसको दम पे लगा रही हूँ, और फिर बाद में इसको खोलूंगी। हमारी हैदराबादी बिरयानी रेडी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। और आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मेरा आपको घर का देसी खाना कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स, हमारी हैदराबादी बिरयानी रेडी है।
आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी हैदराबादी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए। बाय बाय।